जबलपुर, और लास्ट ईयर जो दिवाली थी उसमें मम्मी और कोयल इंदौर आए थे, तो ये जो है अल्टरनेट दिवाली पे मैं जाता रहता हूँ घर पे। आज मेरी रात की 7:30 बजे की ट्रेन है जो मुझे वहाँ सुबह 5 या 6 बजे कुछ पहुँचा देगी। अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट, कुछ सामान लेना है। आने के बाद जो पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत और है सामान जो मुझे ख़रीदना है, मैं ख़रीद के लेके आऊँगा, फिर पैक करूँगा, खाना ना खा के शाम हो ही जाएगी और फिर यहाँ से स्टेशन के लिए निकलूँगा। एक चीज़ और, ये जितने भी वीडियो बनेंगे मेरे यहाँ अभी जो बना रहा हूँ मैं, वो ये एंड होगा जाके जबलपुर में, और जबलपुर में और जो मैं वीडियोस बनाऊँगा ये सारे अपलोड करने में शायद मुझे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ जबलपुर में मेरे पास वाईफाई नहीं है, यहाँ इंदौर में मेरे पास वाईफाई है, और मोबाइल डेटा से वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिन की जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है, और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का जो डेटा चाहिए होता है वो 1 या 1.5 GB ही चाहिए होता है, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बट इंदौर वापस आने के बाद मैं शायद अपलोड कर पाऊँगा, वहाँ देखूँगा जबलपुर में, अगर मुझे कहीं से वाईफाई या इंटरनेट मिल जाता है, अच्छा अच्छी स्पीड मिल जाती है तो अपलोड कर पाऊँगा, तो मे बी ये वीडियो आप देख पाओगे दिवाली के बाद ही, शायद नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग पे, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरे वापस आने का कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं है। मे बी मैं वहाँ रुक सकता हूँ क्योंकि मेरे रिलेटिव में शादी भी है 2 तारीख को 5 तारीख को, मेरे फादर और मेरी सिस्टर का बर्थडे भी है, उसके बाद और क्या प्लान होते हैं मुझे अभी कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, रिटर्न का कोई भी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। इस बैग में मेरे गर्म कपड़े हैं, उस बैग में मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, और कहीं बाहर आने जाने के लिए वाले कपड़े हैं, उसमें मेरा लैपटॉप, चार्जर और बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। गर्म कपड़े इस पूरे बैग में आए हैं क्योंकि जबलपुर में ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, तो मुझे घर वालों ने बोला था कि गर्म कपड़े लेके आना, तो मैंने इतने सारे रख लिए, और इस बैग में कुछ और सामान है जो मुझे घर ले जाना है, तो 1, 2, 3 और वो 1, 4, टोटल 4 बैग। ये देखो आप, इस औरत ने बीच रास्ते में ठेला लगाया है और लोग इसके आजू बाजू से जा रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो वो अनपढ़ गवार है, बाकी लोगों को भी, जनता को भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नगर निगम, ट्रैफिक, पुलिस, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं या क्या नहीं। बीच रास्ते में रखी हुई है वो, लोग उसके आजू बाजू से जा रहे हैं, बस चल रहा है दिवाली के नाम पर, गरीबी के नाम पर हम कुछ भी करेंगे।